सलमान की भारत के लिए पहली चॉइस नहीं थी दिशा पाटनी। सलमान खान की अगली फिल्म भारत पिछले काफी समय से चर्चा में है। इस फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास ग्रफर कर रहे हैं और यह कोरियन फिल्म ओ टू माई फादर का हिंदी अडॉप्टेशन है। सलमान के अलावा यह फिल्म अपनी फीमेल कलाकारों के लिए चर्चा में है। इस फिल्म में सलमान के अपोजिट लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा है। कुछ दिन पहले यह खबर भी आई थी कि प्रियंका के अलावा इस फिल्म में दिशा पाटनी को भी साइन कर लिया गया है। हालांकि अब ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दिशा इस फिल्म के लिए पहली चॉइस नहीं थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा को दिया जाने वाला रोल पहले सलमान खान की पहली गर्ल फ्रेंड रही शाहीन जाफरी की भतीजी कियारा आडवाणी को ऑफर की गई थी। कियारा इससे पहले फिल्म महेश धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में दिशा के साथ दिखाई दी थी। सलमान के एक नजदीकी सोर्स के मुताबिक सलमान भी अपनी अगली फिल्म में कियारा को कास्ट किए जाने को लेकर उत्साहित थे। सलमान खान फिल्म सके प्रोडक्शन विंग के हेड प्रशांत गंजलकर ने इसके लिए कई बार कियारा से दो बार मुलाकात भी की थी। हालांकि इन मुलाकातों का कोई रिजल्ट नहीं निकला और फिल्म दिशा पाटनी की झोली में आ गिरी। कुछ ऐसी खबरें भी सुनने में आई थी कि इस रोल के लिए मौनी रॉय से भी बातचीत की गई थी, लेकिन डेट्स नहीं होने के कारण वे यह फिल्म साइन नहीं कर सकीं।